अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू बी की टीचर हूँ रेनबो ग्रामर स्कूल से। क्लास चहारम, हमारा सब्जेक्ट है उर्दू बी। बच्चों, आज हम अपनी ग्रामर स्टार्ट करेंगे जुमला से। जुमला क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दो या दो से ज़्यादा तरतीब, यानी तरतीब वार मजमूआ, जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। मसलन, स्कूल जाओ, खुदा एक है, आओ घर चलें, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वगैरह वगैरह। समझ आई बच्चों? दो या दो से ज़्यादा तरतीब, यानी तरतीब वार मजमूआ, जिसका पूरा मतलब समझ आ जाए। जैसे स्कूल जाओ, दो लफ्ज़ इकट्ठे हुए तो क्या बन गया? जुमला बन गया। स्कूल जाओ, खुदा एक है, कुछ लफ्ज़ इकट्ठे किए तो एक जुमला बन गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे अल्फाज तरतीब के साथ इकट्ठे कर दिए जाएं जिनका मानी समझ में आ जाए, वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। इसी तरह जुमला क्या है? तमन्नाई जुमले, ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का होना, चाहना या आरजू करना पाया जाए, तमन्नाई जुमले कहलाते हैं। मसलन, उम्मीद है असलम वक्त पर स्कूल पहुंच जाएगा। उम्मीद है, काश, यकीनन, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? तमन्नाई है। मसलन उम्मीद है, उम्मीद की जा रही है ना, तमन्ना की जा रही है किसी चीज़ की कि असलम स्कूल वक्त पर पहुंच जाएगा, काश तुम जाते और उसे बुला लाते, वगैरह वगैरह। कौन से जुमले कहलाते हैं? तमन्नाई जुमले कहलाते हैं। शक्की जुमले है, ऐसे जुमले जिनमें कोई बात यकीन से ना कही जाए बल्कि शक का इजहार हो, शक्की जुमले कहलाते हैं। मसलन, अहमद स्कूल गया होगा, सादिया बाजार गई होगी, इसके पास वक्त होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे जुमले जिनमें कोई बात यकीन से ना कही जा सके, जैसे सपोज कहा जाता है ना, आप कल कहाँ वहाँ गई थी, क्या आप आ रही हो, अभी किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल यकीन ना हो, ठीक है। जुमलों में से तमन्नाई और शकिया जुमले जो है हमने क्या करने हैं? अलहदा करने हैं। शकी जुमले, तमन्नाई जुमले, वो जल्दी घर आया होगा, शक्की जुमला है। काश वो मेहनत करता, तमन्नाई जुमला है। सलमा ने नमाज पढ़ी होगी, काश किसान वक्त पर फसल बोता, रात बारिश हुई होगी, काश वो मुकाबला जीत जाता, ठीक है बच्चों। तमन्नाई जुमले और शक्की जुमले, जुमले के आगे कितनी इकसाम है? तमन्नाई जुमले और शक्की जुमले। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर मोनस क्या होते हैं? ऐसा इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल हो वो क्या कहलाता है? मुज़क्कर। ऐसा इस्म जो मादा के लिए इस्तेमाल हो वो मोनस कहलाता है। मोनस बनाने का तरीका, मुज़क्कर अल्फाज के आखिर हर्फ अलिफ या को ये में बदल दें तो मोनस बन जाता है। मसलन, घोड़ा, घोड़ी, शहजादा, शहजादी। क्या है? ऐसा इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जो किसी फीमेल के लिए, जैसे औरत के लिए, ठीक है। ज़ेल में हम कुछ मुज़क्कर और मोनस अल्फाज की मशक करते हैं। मुज़क्कर मोनस, बैल, गाय, ऊंट, ऊंटनी, सुसर, सास, अब्बा, अम्मा, बहनोई, बहन, अब्बू, अम्मी, नौकर, नौकरानी, नवाब, बेगम, कुत्ता, कुतिया, बछड़ा, बछिया, बाप, माँ, बादशाह, मलका, ठीक है बच्चों। हमने अभी किस चीज़ की प्रैक्टिस की है? हमने प्रैक्टिस की है मुज़क्कर और मोनस की। सब बच्चों को समझ आ गई? आज हमने क्या क्या पढ़ा? जुमला क्या होता है और जुमले की आगे कितनी इकसाम है? दो, तमन्नाई जुमले और शक्की जुमले। इसी तरह से मुज़क्कर और मोनस क्या कहलाते हैं, मोनस बनाने का तरीका भी हमने पढ़ा। अब सब बच्चों ने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है।